नमस्कार, मैं रावी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। अब खबरें विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार। डियर होली बम्पर 2023 पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तीसरो पुरस्कार 1 करोड़। रॉ और धेरे आकर्षक पुरस्कार हरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। रॉ 11 मार्च। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बांटा। कुशांग गोयल डियर क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर 2023 में 2.5 करोड़ विजेता। की तबाही बनू चाहिए यस पाली को करोड़पति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले साल दिसंबर तक सिक्किम को जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री 45 किलोमीटर लंबी सेवक रंगपो रेलवे परियोजना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सिक्किम की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्होंने सिक्किम और बंगाल की सीमा पर स्थित रंगपो रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताया, साथ ही मार्ग में 14 सुरंगें और 17 पुल होंगे यह बताया। 6 सुरंगों पर काम पहले ही समाप्त हो चुका है। पुलों का निर्माण भी जोरों पर चल रहा है। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम को भारत के रेलवे मानचित्र पर लाना चाहते हैं। आज उमेश राय की अध्यक्षता में भारतीय जनता युवा मोर्चा की संगठनात्मक बैठक भाजपा जिला कार्यालय कालिंगपोंग में आयोजित की गई। राज्य युवा मोर्चा द्वारा शुरू किया गया ग्राम जनसंपर्क अभियान अब दार्जिलिंग जिला युवा मोर्चा द्वारा पहाड़ियों के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली बैठक में परिवर्तित हो गया है। बैठक में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज राय, उपाध्यक्ष सुपेंद्र प्रधान, पदाधिकारी संजोग गुरुंग व भाजपा जिला कमेटी उपाध्यक्ष कुमार चामलिंग, बीरेन भुजेल आदि मौजूद रहे। हिमालयन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की 20वीं पुष्प प्रदर्शनी। कर्शियांग हिमालयन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने आज 20वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का आयोजन कर्शियांग स्थित गोरखा पुस्तकालय में किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जीते के चीफ वर्कपाल अनित थापा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा, फूलों की खेती एक आजीविका है, युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर कर्शियांग का नाम फूलों के नाम पर रखा जाए तो फूलों की खेती में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। उहाँहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुको लागि चाहिँ एटलिस्ट फुल के हो र फुलबाट के हुन्छ 20 जनाले सुनेर 2 जनाले सुरु गरे भने पनि त्यो 2-3 दिन 4 हुन्छ 4-6 हुन्छ। तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो तपाईँहरू संस्थालाई हुन्छ नलेज छ, अलिकति यो नलेज चाहिँ हाम्रो यङ्गिसहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले मैले सेयर गर्दाखेरि उहाँहरूले केही न केही गर्छ। खरसाङ वरिपरि खरसाङ बजारभित्र नभए पनि बर्डरुम छ, माथि नयाँ बस्ती छ, डबिल पाखा छ, चिम्नी छ, छेउछेउ कन्सर्न एरियातिर तपाईँहरू गएर प्रोग्राम गर्नुहोस् न। हाम्रो सभासदहरू छ, उहाँहरूलाई एरेन्ज गर्न आउनुहोस्, उहाँहरूले एरेन्ज गरिदिन्छ कि सुन्छ मान्छे। अहिले किन मसरुममा हाम्रो प्रणाम रसाईले काम गरेर राख्छ, उसले सेम गर्दैछ, मान्छे सुन्छ अनि गर्दैछ पनि, प्रयास गर्दैछ र हामीले मान्छेलाई एक्सपर्ट ल्याएर बोलाएर घरमै घुसकर बमबारी, सिभिक भोलिन्टियरकी हुई मौत। उत्तर दिनाजपुर माटीकुंडा में बमबारी में घायल सिविक वॉलंटियर की मौत। गुस्साए लोगों ने गुरुवार को श्रीकृष्णपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया। उल्लेखनीय है कि बुधवार देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर बम फेंका, जिससे सिविक वॉलंटियर साकिब अख्तर की मौत हो गई। लोगों ने सड़क पर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुख्य आरोपी सहित दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इस्लामपुर थाने के सामने तृणमूल का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। कथा सुन लो ना, बोल ना, अपना भाई जान, भाई जान। आमी ओदेर देखछी किन्तु किछु बोललो ना। एटा तखन आमी आईसी के फोन करे बोलेछी, एसपी को बोला हयेछे, ওরাও বলছে ঠিক আছে আমি দেখছি কিন্তু কিছু করলো না। আমাকে বলছে তুমি বাড়ি যাও, আমি বাড়িতেই বসে আছি। এসে বলছে তোমরা বাইরে কেউ আসবেন না, এগুলো আমরা বাইরে এখন গ্রামে আমাদের, আমি বাইরে থাকতে পারবো না। আর ওরা বন্দুকধারীদের লোক গুন্ডাদের নিয়ে বাড়িতে বসে আছে, বাইরের লোক নিয়ে ওরা একটা অঘটন ঘটাবে, আপনি একটু দেখেন। জাহাঙ্গীরকেও বলেছি। बंदूक दिखाकर व्यक्ति को धमकाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में होली की शाम बैकनपुर के खोलाचंद फापड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ
होली की छुट्टी मनाने गया था एक व्यक्ति। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों लड़कों ने पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया। उनके चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए, तब दोनों युवक मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। भक्तिनगर थाना ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच करने शुरू की, जिसमें दो व्यक्ति दीपेंद्र कुमार राय निवासी शिवनगर दार्जिलिंग मोड़ और अर्जुन ठाकुर निवासी इस्कॉन मंदिर रोड को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से एक चार पहिया वाहन व नकली बंदूक बरामद की गई है। दोनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया। अठराखाई ग्राम पंचायत में 40 परियोजनाओं का लोकार्पण। सिलीगुड़ी में अठराखाई ग्राम पंचायत के चैतन्यपुर विनय नगर क्षेत्र में अठराखाई ग्राम पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कुल 40 परियोजनाओं को गुरुवार को उद्घाटन किया गया और 14 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इन परियोजनाओं का उद्घाटन सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने किया। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने कहा कि बहुत कम समय में अठराखाई ग्राम पंचायत ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम किया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी काम वो कर पाएंगे। आगे थे चलती अब कतगुलो क्या हे चल कतगुलो क्या आरोप सामने हो तो जी काजगुलो हो गए जगह मैं पेमेंटो हो गए ए रकम 40 क्जे आज के शुभ उद्बोधन करलम और जी काजगुलो शिलान्यास करलम 14 क्जे वही काजगुलो आगामी ते होते चले तो एरकम उन्नयन तो होते ही थाकबे। और सबथेके बेशी जेटा बलार विषय सेटा हच्छे आमादेर एखाने एकटा बालासन कलोनीते एकटा कम्यूनिटी हल हलो केनना आमरा आजी आजकेई आमरा देखते पेलाम जे कम्यूनिटी हलटा सामने आसते गिये दुटा तीनटा रास्ताय आमरा बाधाप्राप्त होलाम जे सेखाने संग्रामी संयुक्त मंच द्वारा आहूत आम हड़ताल के समर्थन में शहर में रैली। सिलीगुड़ी राज्य सरकार द्वारा बकाया 39% महंगाई भत्ते के स्थान पर घोषित महंगाई भत्ते के विरोध में आज राज्य भर के स्कूल शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। इसके खिलाफ संग्रामी संयुक्त मंच द्वारा 10 मार्च को बुलाई गई आम हड़ताल में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुवार को शहर में विरोध मार्च निकाला गया। संग्रामी संयुक्त मंच के पक्ष में पेशे से शिक्षिता रीता ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ता उनका अधिकार है और इस अधिकार से वंचित किए जाने को भी स्वीकार नहीं करेंगी। साथ ही संयुक्त मंच राज्य में बहुत चर्चित शिक्षक भर्ती में घोटाले के खिलाफ भी लगातार लड़ रहा है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर होली बम्पर 2023 पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तेसरो पुरस्कार 1 करोड़ रॉ और धेरे आकर्षक पुरस्कार हरू। टिकट मूल्य 500 रुपया रॉ 11 मार्च पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बाटा। कुशांग गोयल डियर क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर 2023 मा 2.5 करोड़ विजेता के तपाई बनुंचा यस पाली को करोड़पति। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 3rd of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. Ghar mein aa rahe hai guest, pakwan kya ho suggest? Pulao banao karao taste kyunki Neel Basmati is the best. Rojmarra ke upbhog aur vishesh avsaron ke liye aadarsh Neel Basmati chawal.
लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके ऑडियो भिजन ले एसके लाइफ न्यूज को साथ में प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्री ले प्रायोजन गरेको नेपाली रियलिटी शो हिमालयन आइडल सीजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरी में 7:30 बजे 30 मिनट को प्रीमियर को साथ शुरू होने छ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सीजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफ मा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नदी से बालू पत्थर निकालने की अनुमति की मांग में माकपा का आंदोलन। सिलीगुड़ी में माकपा ने गुरुवार को सिलीगुड़ी के महकमा शासक को ज्ञापन सौंप कर नदी से बालू पत्थर निकालने की तत्काल अनुमति देने की मांग की है। गुरुवार को महकमा परिषद के पूर्व अध्यक्ष तापस सरकार के नेतृत्व में माकपा कार्यकर्ताओं ने महकमा शासक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा। इसके अलावा CPIM ने हाल ही में बलासन नदी से बालू पत्थर निकालने के दौरान 3 किशोरों की मौत में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पक्ष से जापरा जाने कैकदिन आगे पूरा 3 दिन आगे पाथरघाटाते 3 जन शिशु बाली चापा पड़े मारा गेछे। हमरा जानी जे मृत्युटा होतो ना, कारण जेभावे अवैध भावे बाली उठछे, এই বালির চুরির শিকারেরা, এই চুরির পেছনে আছে শাসক দল এবং প্রশাসনের অদ্ভুত নীরবতা। আমরা চাইছি যে উদয় যৌবনযুক্ত শিশুদের পরিবার। কলেজ কে 2 সমলৈঙ্গিক ছাত্র গ্রেফতার। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने कॉलेज के 2 समलैंगिक छात्रों को गिरफ्तार किया है। कूचबिहार और अलीपुरद्वार के 2 समलैंगिक कॉलेज के छात्र घर से भाग गई और मालदा के एक 3 सितारा होटल में शरण ली, लेकिन उस होटल में दोनों छात्राओं के असंगत बातचीत से संदेह हुआ। इसके बाद होटल
प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। दोनों छात्राओं ने अपने गहरे प्रेम संबंधों के बारे में पुलिस को साफ साफ बताया। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने बताया कि दोनों छात्रों के घरों के लोगों को सूचना दे दी गई है। उन दोनों छात्रों को उनके परिवारों को सौंप दिया जाए। फ्रेंड फ्रेंड अच्छे ना मैं और तुम्हें तो की करो भाई ताले तुम्हें कोथा थे एस শ্বশুর বাড়ি থেকে কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল এক মাস কেন থাকলে না ওখানে আমার পছন্দ না হ্যাঁ পছন্দ না এর সঙ্গে সংসার করবে হ্যাঁ মেয়ের সঙ্গে সংসার করবে হ্যাঁ সমাজ মেনে নেবে তোমাদের না এখন আইনের ব্যবস্থা নিতে হবে না না হ্যাঁ না কি কি পারবে না ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না কতদিনের সম্পর্ক তোমাদের দু বছর হ্যাঁ তো তোমাদের বাড়ির লোকজন নিতে আসে তুমি কি যাবা যদি মেনে নেয় তাহলে যাব যদি না মেনে নেয় তাহলে যাব না সে তো কোনোদিনও মারবে না কোনো গার্জেন हड़ताल को विफल करने को सरकारी कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को चेतावनी दे रहे तृणमूल नेता। कूचबिहार में राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया गया। वहीं हड़ताल को विफल करने के लिए सरकारी कार्यालयों और विभिन्न स्कूलों में जाकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता कर्मचारी को चेतावनी दे रहे हैं। तृणमूल नेता चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर वे हड़ताल में शामिल हुए तो उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से सरकारी कर्मचारियों ने लोकतंत्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। তাদের আমাদের বাধ্য হয়ে মানাইতে আমরা বাধ্য করি। সরকারকে দুর্বল করার যে চক্রান্ত চলছে সেই চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করার জন্যই দলের পক্ষ থেকে প্রচার নামছে এবং যারা এইটাকে সরকারি যে অর্ডার সেটাকে ফলো আপ করবে না তাদের বিরুদ্ধে আমরা পার্টির থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। हड़ताल के समर्थक व हड़ताल विरोधी सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन से जिला शासक कार्यालय गरमाया। जलपाईगुड़ी में एक ओर डीए की मांग को लेकर हड़ताल व दूसरी ओर हड़ताल का विरोध में उतरे तृणमूल कार्यकर्ता। जलपाईगुड़ी जिला शासक का कार्यालय इन दो खेमों के विरोध और प्रतिवाद से गरमा गया है। माकपा समर्थित संयुक्त फोरम ने बकाया डीए भुगतान, अस्थायी कर्मचारियों की स्थायीकरण, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के पुनरुद्धार सहित कई मांगों को लेकर शुक्रवार को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उधर बंद के विरोध में तृणमूल कांग्रेस समर्थित सरकारी कर्मचारी महासंघ के विरोध प्रदर्शन से जलपाईगुड़ी जिला शासक कार्यालय परिसर काफी तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। আপনারা জানেন বিশেষত 10ই মার্চ আগামীকালকে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে টিফিন বিরতিতে ধর্মঘটি সংগঠনগুলো এবং ধর্মঘটের বৃহত্তর মঞ্চকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের রানিং স্কোয়াড হচ্ছে ধর্মঘটের দাবির সমর্থনে। মূলত কি কি দাবি আপনাদের এই আগামীকালের দাবি? বলার অপেক্ষা রাখে না, মূলত মহার্ঘ ভাতা, মহার্ঘ রিলিফ, বকেয়া অবিলম্বে প্রদান যেটা ইতিমধ্যেই সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে, তার সাথে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, যে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে 6 লক্ষ শূন্য পদ আছে সেই 6 লক্ষ শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করা এবং পশ্চিমবাংলার রাজ্য প্রশাসন। डीए की मांग में संग्रामी संयुक्त मंच ने किया हड़ताल का आह्वान। कूचबिहार में जहां देश के अन्य राज्य केंद्रीय दर से डीए का भुगतान कर रहे हैं वहीं यह राज्य 3% डीए भुगतान कर रहा है। इस संबंध में कई बार राज्य सरकार को आवेदन दिया जा चुका है लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए संग्रामी मंच के 45 संगठनों के एक साथ आकर 10 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मुख्य मांग है कि राज्य में सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति और सभी अस्थायी कर्मचारियों की नियमित करने के साथ ही केंद्रीय दर से डीए भुगतान किया जाए। दाबी सेटा होच्छे आमादेर शून्य स्वच्छतार संगे शून्य पदे नियोग। आमरा देखे थाकबेन जे आमरा जे विगत दिने जे দুর্নীতিগুলো হয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত, আজকে যোগ্য প্রার্থীরা কলকাতায় 700 দিনের উপরে পথে বসে আন্দোলন করছেন, অথচ আমাদের নেতা মন্ত্রীরা আজকে মানে একদম প্রমাণিত যে তারা অসৎ উপায় অবলম্বন করে চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, বিভিন্ন চাকরিতে যারা যুক্ত হয়েছেন এরকম বিশাল কয়েক হাজার কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করেছে হাইকোর্টের অর্ডার অনুযায়ী। তো আরেকটা দাবির কথা আমাদের মাননীয় আর অন্যতম আহ্বায়ক রয়েছেন উনি বলবেন।
विश्व बांग्ला शिल्पी हाट का मुख्य आकर्षण संठी से बनी दुर्गा प्रतिमा। सिलीगुड़ी विश्व बांग्ला शिल्पी हाट हस्तशिल्पी मेला शुरू हो गया है। इस वर्ष मिठुन मंडल की जुटी विश्व बांग्ला शिल्पी हाट का मुख्य आकर्षण संठी से बनी दुर्गा प्रतिमा। सिलीगुड़ी विश्व बांग्ला शिल्पी हाट हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। इस वर्ष मिठुन मंडल की जूट की संठी से बनी दुर्गा मूर्ति मेले का मुख्य आकर्षण है। वही जगन्नाथ की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, माँ काली की मूर्ति भी संठी से बनाई गई है। जूट की संठी के साथ ही माचिस की तीली से भी मूर्तियां बनाई गई है। मिठुन मंडल ने माचिस की तीली से एक छोटी दुर्गा भी बनाई है। मेले में आने वाले पर्यटक इस दुकान पर बार बार आते हैं। काम इतना निपुण व सफाई से किया गया है कि बिना देखे विश्वास करना मुश्किल है। सभी वस्तुओं की कीमत 1000 रुपये से 7000 रुपये तक बताई जा रही है। अपना नाम कोथाय बारी বিধাননগর মানে আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের বিধাননগর তো হাসিদেওয়া কি কি নিয়ে আসছেন এখানে আমার কাপ পাটকাটি দিয়ে হ্যাঁ কি দিয়ে বানানো এগুলো পাটকাটি দিয়ে স্যার মানে একটু বিস্তারিতভাবে বলবেন যে কিভাবে তৈরি করেন এবং কেমন হয় এগুলো সব পাটকাটি জোগাড় করে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মোটা পাতলা পুরো কেটে কেটে ফেভিকল দিয়ে বানানো হয় কত বছর ধরে আপনি এটার সাথে আমি ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি অ্যাকচুয়ালি আমি আর্ট টিচার তো সাইট হিসাবে এটা করেছি প্রথম এটাকে কি শিল্প মানে এটাকে কি বলে এটাকে জুরিস্টিক বলে হ্যান্ডক্রাফট জুরিস্টিক এটা বানাতে কিরকম কষ্ট হয় এবং কীভাবে বানায় পরিশ্রমটা বেশি লাগে কিরকম মানে একটা মানে মোটামুটি দুটো বানাতে আমার 15 দিন লেগে গেছে সময়ের কাজ তো আস্তে আস্তে করতে হয় ব্লেড ডেক কাটটা তো সাবধানে করতে হয় নাহলে হাত কেটে যাবে কেমন মার্কেট দেখলেন এখন এই সবাই পছন্দ করছে সবাই আর কি খুব উৎসাহ দিচ্ছে আর কি দাম কিরকম আছে কাজ খুব ভালো সবাই বলছে প্রশংসা করছে কেমন দামের মধ্যে আছে দামটা শুনে সবাই একটু হইছে হচ্ছে কেমন দাম যখন আমি দোকানে দেখেছি 7000 রেখেছি কত বললেন 7000 7000 আর বাকিগুলো বাকিগুলো 2000 1500 এত দাম হওয়ার কারণ টাইম লেগেছে প্রচুর এক একটা কাজ করতে এই জন্য তো মার্কেট কি পাচ্ছেন পাচ্ছি কেমন বিক্রি হচ্ছে না বিক্রি এখনো করিনি কিন্তু সবাই আর কি ইচ্ছে করে গেছে এই যে এটা বানাতে গিয়ে যা পরিশ্রম হয় তাতে কোনো সরকারি সাহায্য না না কোনো কিছু না फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहें इसके लाइव पे। धन्यवाद।